प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 74वां जन्मदिन है। 17 सितंबर 1950 को गुजरात के मेहसाणा में जन्मे नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर निरंतर 3 कार्यकाल 2001 से 14 पूरे किए और अब बतौर प्रधानमंत्री यह उनका तीसरा कार्यकाल है। 6 मई 2014 को प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार पीएम पद की शपथ ली थी। तब से लेकर आज 17 सितंबर 2024 तक वे भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत हैं। 2019 में बीजेपी को पूर्ण बहुमत आने के बाद पीएम मोदी ने 30 मई 2019 को शपथ ली थी। 2024 में एनडीए की गठबंधन सरकार बनने पर 9 जून को प्रधानमंत्री मोदी ने प्राइम मिनिस्टर पद की शपथ ग्रहण की थी। उनके जन्मदिन के मौके पर उन्हें देश भर के दिग्गज नेताओं से बधाइयां मिल रही है। देश विदेश से पीएम मोदी को जन्मदिन की शुभकामना के संदेश मिल रहे हैं। हर साल की तरह भाजपा इस साल भी सेवा पखवाड़ा या सेवा पर्व मनाने को तैयार है। इसके तहत देश भर में रक्तदान शिविर और स्वच्छता अभियान का आयोजन जगह जगह पार्टी कार्यकर्ता और स्वयंसेवक कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में तीसरी बार जनादेश हासिल करने के बाद पीएम मोदी एक के बाद एक बड़े फैसले ले रहे हैं। अभी तक के 10 सालों के कार्यकाल के दौरान उन्होंने अपने ऐतिहासिक फैसलों के जरिए एक लंबी लकीर खींची है। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर हम आपको पीएम मोदी से जुड़े कुछ ऐसे ऐतिहासिक पलों के बारे में बताएंगे जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता। पीएम नरेंद्र मोदी पहले ऐसे गैर कांग्रेसी नेता हैं जो नेहरू के बाद लगातार तीसरी बार पीएम बने हैं। दिलचस्प बात यह है कि 1962 के बाद पहली बार कोई सरकार अपने 2 कार्यकाल पूरे करने के बाद तीसरी बार सत्ता में वापसी की है। इटली में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी इतावली समकक्ष जॉर्जिया मेलोनी की सेल्फी क्लिक सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। मेलोनी की ओर से ली गई तस्वीर में दोनों नेता मुस्कुराते हुए नजर आए थे। इस दौरान मेलोनी ने पीएम मोदी का नमस्ते कहकर स्वागत किया था। प्रधानमंत्री की ओर से पीएम आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की मेजबानी करने की तस्वीरों ने भी खूब सुर्खियां बटोरी थी। चंद्रयान 3 मिशन की ऐतिहासिक सफलता के बाद पीएम मोदी ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष एस सोमनाथ को गले लगाते हुए उनकी पीठ थपथपाई थी। इस दौरान पीएम मोदी ने 23 अगस्त को हर साल भारत नेशनल स्पेस डे मनाने का ऐलान किया था। चांद पर लैंडर जिस जगह उतरा उस जगह को शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया था। नई दिल्ली में नए संसद भवन के उद्घाटन से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु के ऐतिहासिक राजदंड सेंगोल को लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी के पास रखा था। इस दौरान पीएम मोदी ने सेंगोल के सामने मत्था टेका था और हाथ में पवित्र राजदंड लेकर तमिलनाडु के पुजारियों से आशीर्वाद लिया था। इसके बाद वैदिक मंत्रोच्चार के बीच सेंगोल को नए संसद भवन में ले जाकर लोकसभा कक्ष में अध्यक्ष की कुर्सी के दाहिनी ओर स्थापित किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023 में कर्नाटक के बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड साइट के दौरे के दौरान तेजस विमान में सवार होकर आसमान में उड़ान भरी, जिसकी तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर खूब धमाल मचाया था। प्रधानमंत्री मोदी ने साल 2023 में अहमदाबाद में रोबोटिक्स गैलरी का दौरा किया था। इस दौरान पीएम मोदी ने रोबोट द्वारा परोसी गई चाय का आनंद लिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने 2023 में उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में पार्वती कुंड में पूजा अर्चना की थी और ध्यान साधना की थी। इसके बाद उन्होंने कैलाश व्यू पॉइंट से आदि कैलाश के दर्शन किए थे। इस आध्यात्मिक क्षण के दौरान उन्होंने ढोल और शंख भी बजाया था। 2024 लोकसभा चुनाव प्रचार के खत्म होने के बाद पीएम मोदी कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल में 45 घंटे की ध्यान साधना की थी। इस साल फरवरी में पीएम नरेंद्र मोदी ने गुजरात के द्वारका में समुद्र के अंदर गए और श्री कृष्ण की नगरी के दर्शन किए। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर लिखा था कि जल में डूबी द्वारका नगरी में प्रार्थना करना बहुत ही दिव्य अनुभव था। पीएम मोदी के जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनके दीर्घायु होने की प्रार्थना की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी पीएम मोदी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बधाई दी। अमित शाह ने कहा कि उन्होंने अपने दशकों लंबे सार्वजनिक जीवन में राष्ट्र के लिए त्याग व समर्पण के नए मानदंड स्थापित किए हैं। अमित शाह ने एक्स पर लिखा, आपने अथक परिश्रम साधना व दूरदर्शिता से देशवासियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाले और भारत का गौरव बढ़ाकर विश्व में नई प्रतिष्ठा दिलाने वाले जनप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वहीं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी पीएम को जन्मदिन पर बधाई दी है। सीएम ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, 140 करोड़ देशवासियों के जीवन को सुखमय बनाने के लिए अविराम साधनारत विश्व के सबसे लोकप्रिय राजनेता, एक भारत श्रेष्ठ भारत के स्वप्नदृष्टा, हम सभी के मार्गदर्शक यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की हृदय तल से बधाई। बता दें
कि हर साल बीजेपी इस दिवस को खास तरीके से मनाती है। इस बार जन्म दिवस को और अविस्मरणीय बनाने के लिए नमो ऐप के जरिए आम लोगों को AI जनरेटेड ग्रीटिंग भेजने का मौका दिया है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि इसके जरिए PM तक लोगों की शुभकामनाएं सीधी पहुंचेगी। रील्स, ग्रीटिंग कार्ड और अन्य ऑनलाइन तरीकों से मैसेज भेजे जा सकते हैं। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस